Hello students, today we will discuss the topic that is Big Data. Today there are over a billion internet users and a majority of the world's web traffic is coming from the smartphones. जैसे कि आप सबको पता ही है कि डे बाय डे इंटरनेट के यूजर्स जो हैं वो बढ़ते ही जा रहे हैं और बहुत ज्यादा ट्रैफिक है जो वो क्रिएट हो रही है it is only due to the smartphones. Current pace of data traffic is around 2.5 quintillion bytes of data created each day and the pace is increasing with the continuous evolution of Internet of Things. Day by day jo data traffic hai wo huge hoti ja rahi hai and wo increase kar rahi hai evolution of Internet of Things ko. Basically big data hai kya? जो ट्रैफिक है वो इंटरनेट पे जो बढ़ती जा रही है डे बाय डे वो रिजल्ट उसका क्या शो हो रहा है वो रिजल्ट कर रही है इन द जनरेशन ऑफ डेटा सेट्स ऑफ एनॉर्मस वॉल्यूम एंड कॉम्प्लेक्सिटी कॉल्ड बिग डेटा. जो डेटा है इंटरनेट पे वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, जैसे वो ह्यूज होता जा रहा है तो वो कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, उसका जैसे वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है, सो इट इज नोन एज बिग डेटा. Such data cannot be processed and analyzed using traditional data processing tools as the data is not only voluminous but also unstructured like our posts, instant messages and chats, photographs that we share through various sites, our tweets, blogs, articles, news items, opinion polls and their comments, audio, video chats, etc. With the data jo है वो ट्रेडिशनल पुराने किसी डेटा प्रोसेसिंग टूल से प्रोसेस या एनालाइज नहीं हो पाता क्योंकि डेटा जो है वो ह्यूज अमाउंट में है और अनस्ट्रक्चर्ड है. अनस्ट्रक्चर्ड यू कैन से जैसे हम मैसेजेस कर रहे हैं, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्वीट कर रहे हैं, फोटोग्राफ्स हैं, इंटरनेट पे बहुत सारी चीजें हैं जो हम इंटरनेट पे यूज करते हैं, वो सारा कुछ स्टोर हो ही जा रहा है वहां पे और सब कुछ अनस्ट्रक्चर्ड वे में स्टोर हो रहा है. बिग डाटा नॉट ओनली रिप्रेजेंट वॉल्यूमिनियस डाटा, इट आल्सो इन्वॉल्व्स वेरियस चैलेंजेस लाइक इंटीग्रेशन, स्टोरेज, एनालिसिस, सर्चिंग, प्रोसेसिंग, ट्रांसफर, क्वेरिंग एंड विजुअलाइजेशन ऑफ सच डाटा. बिग डाटा जो है उसमें सिर्फ डाटा, ह्यूज डाटा जो है वो रिप्रेजेंट नहीं करना उसका काम नहीं है, लेकिन वो और चैलेंजेस भी इंक्लूड करता है लाइक इंटीग्रेशन, उसे यूनिकनेस जो है, स्टोरेज, ट्रांसफर करना डेटा, ये सारा कुछ भी उसने सारी चीजें मेंटेन करनी होती है. सो फ्रॉम द अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट बिग डेटा इज अ टर्म दैट डिस्क्राइब्स अ लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड अनस्ट्रक्चर्ड. जो डेटा है वो स्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है और अनस्ट्रक्चर्ड भी हो सकता है. But it's not the amount of data that's important. So big data can be analyzed for insights that lead to better decisions and strategic business moves. So now we will discuss the characteristics of big data. Here are five characteristics of big data. That is volume, value, veracity, velocity and variety. First characteristics of big data is volume. The most prominent characteristic of big data is its enormous size. If a particular data set is of such large size and it is difficult to process it with traditional DBMS tools, it can be handled using big data. कहते कि अगर आपका data जो है huge size का है, बड़े size का है, तो वो पुराने किसी भी traditional DBMS tools से आप उसको process नहीं कर सकते. उसको हैंडल आप कर सकते हो ओनली थ्रू द बिग डेटा. वेलोसिटी, इट रिप्रेजेंट्स द रेट एट विच द डेटा अंडर कंसिडरेशन इज बीइंग जनरेटेड एंड स्टोर्ड. बिग डेटा हैज एन एक्सपोनेंशियली हायर रेट ऑफ जनरेशन देन ट्रेडिशनल डेटा रेट्स. नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स इज वैरायटी. इट असर्ट्स दैट अ डेटा सेट हैज वेरी डेटा सच एज structured, semi-structured and unstructured data. Some examples are text, images, videos, web pages and etc. Example data may be structured, semi-structured or unstructured. It can be any form. It can be in the form of a text, images, videos, messages, etc. Fourth point is
Veracity. Big data can be sometimes inconsistent, biased, noisy, or there are some other abnormalities in the data or issues with the data collection methods. कभी कभी हमारा जो डेटा है वो इनकंसिस्टेंट होता है, बायस्ड होता है, नॉइजी होता है, काफी एबनॉर्मेलिटीज होती है उस डेटा में. सो वेरासिटी रेफर्स टू द ट्रस्टवर्थीनेस ऑफ द डेटा बिकॉज प्रोसेसिंग सच इनकरेक्ट डेटा कैन गिव रॉन्ग रिजल्ट्स और मिसलीड द इंटरप्रिटेशन. फिफ्थ पॉइंट इज वैल्यू. बिग डेटा इज नॉट ओनली जस्ट अ बिग पाइल ऑफ डेटा बट ऑल्सो प्रोसेसिंग टू हैव हिडन पैटर्न्स एंड यूजफुल नॉलेज which can be of high business value. But as there is cost of investment of resources in processing big data, so we should make a preliminary inquiry to see the potential of the big data in terms of value discovery, or else our efforts could be in the vain. Data analytics. So basically data analytics hota kya hai? Data analytics is the process of examining data sets in order to draw conclusions about the information they contain with the aid of specialized systems and software. Data analytics ek aisa process hai jo examine karta hai data sets ko taki usme se koi conclusion nikal sake information ke ka. Data analytic technologies and techniques are becoming popular day by day. They are used in commercial industries to enable organizations to make more informed business decisions taki wo acche business decisions le sake. In the field of science and technology, it can be used for researchers to verify or disprove scientific models, theories and hypotheses. Example, अगर हम पाइथन की बात करें तो pandas is a library of programming language python which can be used as a tool to make data analysis much simpler. Next topic is IoT, that is internet of things. The term computer network that we commonly use is a network of computers. Network kya hai aapko pata hi hoga, when two or more computers are interconnected through a networking device it forms a network. So such a network consists of a laptop, desktop, server or portable devices like tablets, smartphones, smartwatch, etc. connected through wires or wireless. We can communicate between these devices using internet or LAN. Now imagine, what if your bulbs, fans and refrigerator also become a part of this network? Agar aapke jo bulbs, fans, refrigerators hai, wo bhi ek part ban jaye agar network ka. तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे एक दूसरे से? थिंक अबाउट द एडवांटेजेस एंड टास्क दैट कैन बी अकॉम्प्लिश्ड इफ ऑल दीज डिवाइसेस विद स्मार्ट कनेक्टिविटी फीचर्स आर एबल टू कम्युनिकेट अमंग अस देमसेल्व्स एंड वी आर आल्सो एबल टू कम्युनिकेट विद देम यूजिंग कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन्स. अगर हमारे घर की सारी चीजें लाइक हमारे बल्ब, रेफ्रिजरेटर्स, फैंस, वॉशिंग मशीन्स, ईच एंड एवरीथिंग अगर हमारी स्मार्ट कनेक्टिविटी हो जाए उनके साथ और हमारी सारी चीजें कम्युनिकेट करें आपस में कंप्यूटर्स और स्मार्टफोन से. सो द इंटरनेट ऑफ थिंग्स इज अ नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस दैट हैव एन एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर टू कम्युनिकेट विद अदर डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क. सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स क्या है? एक नेटवर्क ऑफ डिवाइसेस है जिनमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर थ्रू हम कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द अदर डिवाइसेस ऑन द सेम नेटवर्क. एट प्रेजेंट इन अ टिपिकल हाउसहोल्ड मेनी डिवाइसेस हैव एडवांस्ड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. दीज डिवाइसेस आर यूज्ड इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर विद मैक्सिमम ह्यूमन इंटरवेंशन नीडेड फॉर ऑपरेशनल डायरेक्शंस एंड इनपुट डेटा. सो इंटरनेट ऑफ थिंग्स टेंड्स टू ब्रिंग टूगेदर दीज डिवाइसेज टू वर्क इन अ कोलैबोरेशन एंड असिस्ट ईच अदर इन क्रिएटिंग एन इंटेलिजेंट नेटवर्क ऑफ थिंग्स. फॉर एग्जाम्पल, इफ अ माइक्रोवेव ओवन एंड एयर कंडीशनर, डोर लॉक, सीसीटीवी कैमरा और अदर सच डिवाइसेज आर इनेबल टू कनेक्ट टू द इंटरनेट, वी कैन असेस एंड रिमोटली कंट्रोल दैम ऑन द गो यूजिंग अवर स्मार्टफोन. जैसे कि आप सबको पता ही है हमारे most of the places we see CCTV cameras, door locks, हमारे घर में air conditioners हैं, जो microwave oven है, उन सबको हम assess कर सकते हैं, remote के through control कर सकते हैं, even हम अपने smartphones के through भी उनको control कर सकते हैं. Next is WOT, that is Web of Things.
Internet of things allow us to interact with different devices through internet with the help of smartphones और computer using creating a personal network, जैसे हमने अभी डिस्कस की है ये चीज. But to interact with n number of different devices, we need to install n different apps. Wouldn't it be convenient to have one interface to connect all the devices? क्योंकि कि अगर हमने number of devices के साथ interact कर रहे हैं तो हमें number of applications ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी. तो इट्स वो ज्यादा कन्वीनियंट होगा कि अगर हम सारी डिवाइसेस के लिए एक ही इंटरफेस के थ्रू उनको कनेक्ट करें. द वेब इज ऑलरेडी बीइंग यूज्ड एज अ सिस्टम टू कम्युनिकेट विद ईच अदर. सो विल इट पॉसिबल टू यूज द वेब इन सच अ वे दैट ऑल द थिंग्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर इन द मोस्ट एफिशिएंट मैनर बाय इंटीग्रेटिंग देम टुगेदर. So the web of things allows the use of web of services to connect anything in the physical world besides human identities on web. It will pave way for creating smartphones, smart homes, smart offices, smart cities and so on. Thank you. अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती है.